इस साधना का नाम है साक्षी योग साधना, और ये साधना ऐसी है कि इसको आस्तिक नास्तिक कोई भी कर सकता है। इसके लिए किसी ईश्वर की अवधारणा की आवश्यकता नहीं, और बहुत ही वैज्ञानिक पद्धत का है, और इसको पूरा टेस्ट किया जा सकता है। मेरी कोशिश यही थी कि इसी तरह की आज के बढ़ते इस वैज्ञानिक युग में ऐसी ही साधना की ज़रूरत है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी संप्रदाय, मजहब, धर्म का हो, आस्तिक नास्तिक, कोई भी उसको कर सकता हो, और उसका उसके लिए किसी उसको कोई कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये इतना बिल्कुल इसमें सारा एविडेंस डायरेक्ट है, हर मतलब आप इससे प्रयोग करेंगे उस हिसाब से इसका रिजल्ट है। और ये ध्यान सूत्र का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको वैसे तो अमन करने के लिए जो समय की अवधि है वह सामान्य लोगों के लिए तो खैर है ही नहीं यार, लेकिन जो लोग कुछ मतलब आसन प्राणायाम ध्यान वगैरह थोड़ा बहुत किए हैं वे ही लोग इसको कर पाएंगे। सामान्य लोग के तो बस का यह भी नहीं होता है कि वो एक दिन भूखा रह जाए या दो तीन दिन बोलना छोड़ दे, क्योंकि दिमाग में बहुत खलबली होती है ना, तो वो पहले से ही कुछ लोग जो कुछ साधना किए हुए हैं, मौन साधना किए हुए हैं, बड़े अच्छे संकल्प वाले हैं, उनके लिए है, तो फिर भी उनके लिए भी यह जो है तकरीबन 10 दिन का समय मांगता है। लेकिन 7 दिन से फिर अच्छा है चाहिए होता है, परंतु कोई चाहे तो 2-3 दिन भी कर ले, 2-3 दिन से भी उसको कम से कम बहुत सारा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, भले परफेक्ट रिजल्ट आए या ना आए पूरा, लेकिन फिर भी अच्छा आ जाएगा। अब तो इसमें जो ज़रूरतें हैं तो यह है कि इसके लिए तो बिल्कुल ही एकांत चाहिए, अकेला होना ज़रूरी है, और इतना अकेला होना ज़रूरी है कि कोई दूसरा आदमी दिखे भी नहीं, न बोलना है, न पढ़ना है, न लिखना है, न इशारा करना है, न मोबाइल, न टीवी, न फ्रिज, न कुछ नहीं चलना चाहिए, और कोई बिजली का इंस्ट्रूमेंट नहीं चलना चाहिए, कोई भी नहीं। मतलब बत्ती वत्ती सब बुझा के रखेंगे, कहने का मतलब यह है, चाहे रात का भी समय हो, और अगर इमरजेंसी में करना पड़े तो न्यूनतम जो यूज होता है ना वो न्यूनतम यूज करेंगे, क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स जो आता है वो प्रभावित करता है, बहुत गहराई में प्रभावित करता है। तो एक वह है। अब इसमें खाने के लिए भी बहुत प्रतिबंध है, किसी भी तरह का भोजन नहीं ले सकते, वही भोजन ले सकते हैं जिसको कि शरीर को एब्जॉर्ब करने में थोड़ी भी ऊर्जा ना लगे, मतलब डायरेक्ट शरीर एब्जॉर्ब कर लेता हो, इतना हल्का होना चाहिए शरीर की ऊर्जा, एकदम उधर बहे नहीं पेट की ओर, आंतों की ओर, और डायरेक्ट एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट उसका यूज हो सकता हो। इसीलिए शहद का प्रयोग, ग्लूकोज का प्रयोग, ये 2 चीज का प्रयोग होगा, और नींबू का प्रयोग होगा। नींबू इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, टेस्ट भी बढ़ाएगा, और शरीर में कुछ कुछ सिट्रिक एसिड, ऐसा सिट्रिक एसिड वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वह नींबू देता है, और कुछ भीतर भी अल्कलाइनिटी भी बनाए रखता है, भले इधर से जाता है एसिड लेकिन वहाँ अल्कलाइन हो जाता है, ये बहुत अच्छा गुण होता है नींबू में।
इसलिए नींबू की जरूरत पड़ती है। अगर गर्मी का दिन में कोई कर रहा हो, अभी तो मौसम खैर यहाँ बहुत ही बढ़िया है, गर्मी के दिन में अगर कहीं करना हो तो नारियल का पानी भी लिया जा सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है कि तापमान जो है ना बहुत ही अनुकूल होना चाहिए, ना अति शीत होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए। गर्म तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ह्यूमिडिटी तो एकदम नहीं चाहिए, गर्मी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ठंडा भी नहीं चाहिए। तो जैसा अभी मौसम, जैसा अभी यहाँ भीमताल का है, ठीक है ऐसा ही मौसम चाहिए, बहुत ही अच्छा मौसम। तो वह तो मौसम की बात हो गई, और एकांत का तो मैंने बता दिया। अब जितना भी कुछ करना है सब लेटरिन बाथरूम जो भी है सब इसी में करना है। एक बार संकल्प कर लिए हैं तो संकल्प के हिसाब से आपकी ऊर्जा जो है चलने शुरू हो जाती है शरीर। अब उस संकल्प में बाधा नहीं पड़नी चाहिए किसी भी प्रकार। एक बार संकल्प लिए हैं तो फिर अब वैसा होगा, योग साधना चलेगी आपके। अब इसमें आसन का कोई प्रतिबंध नहीं होता है कि आपको इस आसन में ही बैठना है या इतने देर तक बैठना है, क्योंकि इसमें बॉडी का वैल्यू नहीं है। शरीर को जिससे रिलैक्स मिलता हो, जिसमें कम से कम शरीर को हिलाने डुलाने की बात होती हो, ऊर्जा कम से कम लगती हो, बॉडी की ओर ऊर्जा का फ्लो नहीं होना चाहिए। ऊर्जा का फ्लो सिर्फ माइंड की ओर होना चाहिए। तो इसलिए किसी मतलब आसन में बैठ करके अपने को बहुत थकाना नहीं है। शवासन में बैठ सकता है? हाँ, शवासन में लेट सकते हैं, लेट करके कर सकते हैं। हाँ, शरीर का पोजीशन आप अपने मतलब सुविधा अनुसार ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नींद भी आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये रिलैक्स होकर के ही किया जाता है। नींद आ जाती है तो आने दीजिए, क्योंकि शरीर कितना सोएगा, एक समय के बाद जो है ना शरीर एकदम सही हो जाएगा, उसको जरूरत नहीं रहेगी रिलैक्सेशन की। एक चीज़ और ध्यान रखने की बात है, वह है कि ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होना चाहिए। इसलिए इसको हिमालय के बहुत हाई अल्टीट्यूड पर भी नहीं किया जा सकता है, जहाँ ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है। ये सबसे सही जगह पर है, तो क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल अगर डाउन हुआ तो फिर दिक्कत आने लगेगी। तो ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होना चाहिए। इस चीज़ को भी आप लोग अपना कमरे में एडजस्ट करके देख लीजिएगा, थोड़ा सा खिड़की हो सकता है कि हल्का फुल्का कुछ खोलना पड़े, जिससे कि ऑक्सीजन जाली वाला, हाँ जाली वाला, जिससे कि ऑक्सीजन का लेवल सही बना रहे, वो घटना नहीं चाहिए। तो पोजीशन आप अपना कोई भी ले लीजिएगा अपनी सुविधा अनुसार। कभी आप बैठ के भी कर सकते हैं, कभी लेट के भी कर सकते हैं, कभी हल्का सा पद्मासन में भी बैठ सकते हैं, कभी सुखासन में भी बैठ सकते हैं। इसमें पोजीशन का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है, जैसा आराम लगे बॉडी को वैसा करना है। इसमें पेन का बहुत मतलब नहीं है, दर्द का उस तरह का साधना नहीं है, तो इस उस लिहाज से भी यह थोड़ा ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसमें अलर्टनेस का बहुत महत्व है। मतलब बहुत महत्व क्या है, ये पूरी साधना ही उसी की है, अवेयरनेस का बहुत महत्व है, इसलिए इसका इसका नाम है साक्षी। हाँ, ये जो अवेयरनेस या अलर्टनेस, आपने एक बार अलर्टनेस बोला एक बार अवेयरनेस बोला। हाँ, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़िया है शब्द है अंग्रेजी का, लेकिन संस्कृत में साक्षी जो है वह सही है। साक्षी में क्या होता है कि अवेयरनेस भी होता है और विटनेस भी होता है, और अवेयरनेस में विटनेस का उतना वो नहीं रह जाता है, उसमें विटनेस का भी रहता है, अवेयरनेस भी रहता है। खैर, अभी हम लोग बहुत ज़्यादा शब्दों पर नहीं जाएंगे। तो इसमें उसी का ज़्यादा महत्व है कि आप जो है एकदम पूरा अवेयर रहिए, अलर्ट रहिए। हाँ, और आपकी जो फोकसिंग होगी ना वो माइंड पर ही होगी।
इस अस्तित्व में आप देख रहे हैं कि चीजें जन्म रही हैं और मर रही हैं। कुछ कुछ पीरियड के बाद आप देखते हैं देखेंगे परमात्मा का एक नाम कुटस्थ है, मतलब कि साक्षी, पार्टिसिपेट नहीं करता। तो अमूमन जितने भी लोग हैं पार्टिसिपेट करते ही हैं हर चीज़ में, जितनी घटनाएं घट रही हैं तो पार्टिसिपेट करते हैं, कहीं डायरेक्टली कहीं इनडायरेक्टली उसकी उनकी इंद्रियां कहीं विचार से कहीं सोच करके तो कुछ ना कुछ पैदा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मार रहे हैं। उस चक्र में आदमी फंसा हुआ है। लेकिन मनुष्यों ने कुछ शब्द ऐसे बनाए हैं जो शब्द वस्तु स्थिति से थोड़ा सा भटका देते हैं और डर से बनाए हैं ऐसा, या कुछ सुविधा भी हो सकती है उसमें, लेकिन आध्यात्मिक अर्थ में उसको डर ही माना जाएगा। जैसे ये कहते हैं कि जैसे सांस जो है चल रही है, उदाहरण के लिए इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक सांस उत्पन्न हुई फिर वो सांस मर गई, जन्म और मृत्यु की भाषा में हम बात करें। एक सांस उत्पन्न हुई एक सांस मर गई, इस तरह से हम लोग की सांसें उत्पन्न होती हैं मरती हैं और इस तरह से हम लोग भी मरते हैं। तो ऑर्डिनरी आदमी क्या करता है कि वह जब व्यक्ति जन्मता है तो देखता है, जब मरता है तो देखता है, यानी बहुत लंबा पीरियड जब होता है तो ही वह आँख पाता है। जबकि योगी में ये क्षमता होती है कि वो एक एक सांस के जन्म में मरने को आँकता है, भोजन लिया उसका जन्मना, भोजन चला गया उसका मर जाना, हाथ उठाया इसका जन्मना, हाथ आ गया इसका मर जाना, यानी हर चीज़ को वो जन्म और मरण के लिहाज से वो देखता है। और टाइम फ्रेम जितना घटता जाएगा, जैसे सांस लेने और छोड़ने में समय बहुत कम लगता है, तो अधिकतर आदमी जो है इसलिए सांस पर ध्यान नहीं दे पाता है और इसलिए इसको जन्मने मरने के संदर्भ में सोच भी नहीं पाता। उसी तरह से जो योगी होता है वह इसको तो देख लेता है जन्मने मरने को, सांस को, तो सांस पर अपने को टिकाता है, मतलब वहाँ पर वो अलर्ट रहता है, अवेयर रहता है, वहाँ पर उसमें कुछ साक्षी भाव आता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन सांस में भी आप देखेंगे कि एक मिनट में 22 सांस आ जाती है, यानी लगभग अगर देखा जाए तो 3 सेकंड के करीब तो एक सांस में समय लग गया। 3 सेकंड भी जो महायोगी है उसके लिए ज़्यादा है, इसलिए यह अवेयरनेस को अच्छा भी नहीं मानते हैं, मध्यम दर्जे का मानते हैं। तो वह और अवेयर होता है तो अपने को और सूक्ष्म क्रिया पर लगाता है, दिल की धड़कन पर लगाता है, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है औसतन, यानी वह 1 सेकंड से भी कम समय है, यानी जीना और मरना, जन्मना और 1 सेकंड के भीतर में उसको अलर्ट होना है, अवेयर होना है, साक्षी होना है। 1 सेकंड के भीतर में ही यहाँ जन्म गया और ये एक धड़कन जन्मी एक धड़कन मर गई, दूसरी धड़कन जन्मी मर गई, वो 1 सेकंड। तो ये एक बड़ा योगी करता है और वहाँ पर उसका साक्षी भाव थोड़ा सा सबल हो जाता है। उसमें जब वो सिद्धस्थ हो जाता है, सिद्धस्थ का माना जाएगा जब लगातार वो 4 घंटे तक अलर्ट होकर के, अवेयर होकर के, सच होकर के महसूस कर लेता है, यानी एक भी सांस ऐसी नहीं आनी चाहिए
जो हमारे अवेयरनेस के बाहर हो गई, तब माना जाएगा कि सांस का उसने तो वो कर लिया, उसमें साक्षी भाव उसको आ गया। उसके बाद जो है वो दिल की धड़कनों पर लगाता है, हो सकता है उसके बीच में भी उसको आता रहे। तो फिर 4 घंटे तक अगर वो दिल की धड़कन पर अपने को फोकस कर लेता है इतना कि एक भी धड़कन उसके इधर उधर नहीं जाए, तो इसका मतलब उसमें साक्ष विकसित हो रहा है। अच्छा, तो वो अपने को मान सकता है कि अब मैं हो गया। लेकिन इसमें भी भाई 1 सेकेंड से थोड़ा सा कम समय लग रहा है, लेकिन फिर भी यह टाइम जो है जो परम योगी लोग होते हैं उनके लिए यह फिर भी ज़्यादा है, इसीलिए इसका भी वे महत्व उतना नहीं देते हैं। हाँ, तब वे जो है वो विचार पर फोकस करते हैं, विचार जो उत्पन्न होता है तो वह फ्रैक्शन सब सेकंड में होता है, यानी वहाँ पर जो है आपका अवेयरनेस लेवल बहुत हाई होना चाहिए कि विचार कोई भी शब्द बन रहा है तो उसको आप देख लें, कोई भी शब्द बन रहा है, और जैसे ही आप उसको फील करते हैं शब्द को बनते हो, त्यों ही क्या होता है कि वो शब्द बंद हो जाता, नहीं बनता, तो वह निर्विचार समाधि कहलाती है। और वहाँ पर जो साक्ष्य विकसित होता है वह बहुत ही उच्च स्तर का होता है, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से हल्का सा एक मौन तो आ गया, क्योंकि वहाँ विचार उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो उस जगह पर जब आप पहुँच जाते हैं, वहाँ पर क्या है, उसके पहले हो सकता है कुछ मंत्र भी आए। हाँ, सारे मंत्र वहाँ से उद्भूत होते हैं, इसलिए वहाँ पर चले जाना मतलब सारे मंत्रों के सिद्धि, सारे मंत्रों के सिद्धि वहीं से होती है जब आप मौन में चले जाते हैं। हालांकि यह मौन पूरा मौन नहीं है, जो और जो परम योगी हैं हाँ, तो वे इस विचार को भी जो है महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि इससे भी और जो सूक्ष्म तरंग हैं, जैसे कि हम लोग अमूमन जैसे चित्र देख रहे हैं, अभी गौर कीजिएगा, ये चित्र आपको रियल लग रहा होगा, कोई भी हम लोग देख रहे हैं बाहर का दृश्य, लेकिन आंख बंद कीजिए फिर देखिए, आंख बंद कीजिए फिर देखिए, फिर आँख इधर उधर घुमाइए फिर देखिए, तब आपको लगेगा ओ ये तो चित्र है, आपको एहसास होने लगेगा कि जिसको मैं अब तक रियलिटी समझ रहा था वास्तव में एक छवि है जो हमारे दिमाग में बन रही है। अच्छा, हाँ, जब मैं नज़र इधर उधर घूमता हूँ तो एक अलग दृश्य भी बनता है, किधर से कट के इधर बनता है, आँख बंद कर लेता हूँ फिर खोलता हूँ, पलक झपकाऊँगा तो लगेगा वो तो दृश्य है, तो वो अवेयरनेस धीरे धीरे आने लगेगा, ये जो दुनिया जो दिख रही है ना, ये जो ये रियल है नहीं, ये दृश्य है बस, जो हमारे दिमाग में ये बन रहा है। सो जाते हैं, दृश्य गायब, दुनिया गायब, उसके लिए तो दुनिया गायब है। इसलिए एक तो जब हम जाग रहे हैं इस समय का साक्षी होना, और एक होता है जब हम स्वप्न अवस्था में उस समय साक्षी हो जाना। तो यहाँ जब साक्षी हो जाएंगे पूरा अच्छा से, न्यूनतम मैंने इसे बताया 4 घंटा आपको हो जाना चाहिए, तब आपका प्रवेश जो है ना स्वप्न में होगा, फिर स्वप्न में जो दृश्य होगा आपको लगेगा ये दृश्य है, आपको लगेगा कि ये दृश्य ऐसा ही बनता है, और तब वहाँ पर साक्षी भाव विकसित होगा। लेकिन वह उसको भी श्रेष्ठतम नहीं माना गया है। हाँ, उसमें भी जब आप वो हो जाएंगे, लगातार आपको लगेगा कि नहीं ये वैसा है, तब फिर क्या होगा कि नींद में आपकी जागृति हो जाएगी, नींद में साक्षी भाव आ जाएगा, उसको तुरीय अवस्था कहते हैं, वहाँ जा करके ये मामला पूरा होता है, और वहाँ पर निराकार की अनुभूति होती है, निराकार अस्तित्व की अनुभूति होती है। निराकार ऐसा कोई तत्व तो नहीं है कि आप सोचें कि अमुक तत्व तो है ये निराकार है, ऐसा नहीं होगा, इस बात को भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि वह लोकेटेबल नहीं होता है और उसका कोई आकार नहीं है,
तो आकार नहीं है तो कोई उसकी न जन्म है न मृत्यु है, वो शाश्वत तत्व है। हाँ, तो न उसका जन्म है न मृत्यु है, ना कोई उसका आकार है, ना उसको आप कहें कोई लोकेट करने का कोई चांस ही नहीं है, ना कोई मतलब है उसमें। बस आपको अनुभूति हो जाएगी ये सब जितने भी जन्म और मरने वाली चीज़ें हैं ये सब सब समाप्त हो चुके हैं। जितने भी चीज़ें हैं जो जन्मती हैं मरती हैं और जो भी समय के रेफरेंस में आते हैं वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। और वह जो चैतन्यता है, परम चैतन्य अवस्था, उसमें ही जो है निराकार तत्व, जिसको कहा जाए तत्व में कह रहा हूँ, हाँ, लेकिन आप उसको ऐसा कोई कोई चीज़ मत समझिए, वो चीज़ नहीं है। तो निराकारता का अनुभूति होगा, तो निराकार पर ब्रह्म जो कहा गया है उसकी अनुभूति उसमें होती है। और जैसे नींद में जागने वाली जो बात मैंने कही उसमें जो हो जाएगा तो आत्म अनुभूति हो जाती है। वैसे दिमाग बहुत सारे रहस्य खोलेगा, दिमाग शुरू कर देता है खोलना रहस्य को। हाँ, जब ऊर्जा पूरी भाग इधर जाएगी ना तो और भी बहुत सारे रहस्य खोलता है छोटे छोटे स्तर का, लेकिन वे सभी कीमती होते हैं। आपको आप अचंभित हो जाएंगे कि इस दिमाग में क्या क्या चीज़ें स्टोर हैं, और इस दिमाग के पास खाली स्टोर ही नहीं है बल्कि इसकी कनेक्टिविटी अन्य दिमागों से है, दूसरे दिमागों से भी इसकी कनेक्टिविटी है, यानी निरंतरता है इसकी। और मनुष्यों से ही नहीं, पशुओं पक्षियों वनस्पतियों और निर्जीव तत्वों से भी। इसलिए एक बहुत विलक्षण संसार जो है सामने आता है, लेकिन जो भी विलक्षण संसार सामने आएगा वो सब जन्मने और मरने वाले होंगे। हाँ, सूक्ष्म होंगे लेकिन सब उसी में होंगे। हाँ, उनका जो है चूंकि समय वहाँ बहुत छोटा होगा तो उसके लिए बहुत साक्ष्य भाव का बहुत तगड़ा विकसित होना जरूरी है, लेकिन वे सब सब मालूम पड़ेंगे। आप लोगों को बस अपने साक्ष्य भाव पर ख्याल करना है, न कि दृश्यों पर या ध्वनि पर या जो कुछ भी महसूस होगा उस पर नहीं। अरे, जो कुछ महसूस होगा उस पर भी नहीं, उस पर नहीं फोकस करना है। अच्छा, फोकस सिर्फ साक्ष्य भाव पर करना है, यानी कि मैं इससे अलग हूँ, मैं तटस्थ हूँ, ये सब जन्म में मरने वाली चीजें हैं। हाँ, ये मिथ्या है। हाँ, विचार हैं, इस सब जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं, हाँ, और लोप हो रहे हैं। तो ये अवेयरनेस रहना जरूरी है, घटनाओं में लिप्त नहीं होना है। घटना तो एक से एक अच्छी अच्छी भी आ सकते हैं, जिसको कि आप देख सकते हैं, मुग्ध होकर सुन सकते हैं। तो हम लोग की जो आँखें हैं, हम लोग के जो कान हैं, इनसे जो भी ध्वनि आती है, सब ध्वनि एक जन्मती है मरती है, उनका एक टाइम फ्रेम होता है, इतने समय से इतने समय तक वो उसका रहना है। गंध, फूल के गंध लेंगे तो इतने समय से इतने समय तक गंध है, स्वाद लेंगे तो इतने समय से इतने समय तक, स्पर्श करेंगे तो इतने समय से इतने समय तक, सब टाइम के रेफरेंस में है। इसलिए जितने आयाम बताए जाते हैं उसमें मुख्य आयाम जो है उसको टाइम को ही बताया गया है। जैसे मास जो है, स्पेस है, टाइम है, इसमें टाइम ही मुख्य है। समय के ही स्फुरण से सब सब हुआ है, चैतन्य के प्रभाव से। तो इस चीज़ को समझना है और अपने को समय में कोशिश करना है कि इतना मतलब अलर्ट आप रहेंगे तो समय अपने आप ही, क्योंकि समय जिस चीज़ से आपको बांधना बांधता आपकी चेतना को, उससे आप हटते चले जाइएगा तो ये सब सब चीज़ें छूटते चले जाएंगे अपने आप। ये खुद अनुभव करेंगे, प्रयोग होगा ना, खूब अनुभूत होगा। और आपको आपके शरीर की जो भी हरकत होती होगी, जैसे पलक का गिरना उठना, इसको भी आपको फील करना है, पलक का उठना गिरना, और आपको जानना कि मैं पलक नहीं हूँ,
हाँ, ये गिरना उठना इसका जो है उत्पन्न होना और समाप्त हो जाना, ये सब सब काल के रेफरेंस में है। और ये और साक्षी भाव रहेगा तो आप लगेगा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये आँख की पलके कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। हाँ, मैं अलग साक्षी भाव, समझ रहे हैं। तो इस तरह से करते करते फिरते फिर उस मैं पर आएंगे, ये मैं क्या है, क्योंकि वह भी ये मैं क्या अहंकार है। हाँ, और वह भी सबसे सूक्ष्म, क्योंकि जन्म और मृत्यु को सबसे सूक्ष्म रूप से आंकता है वही, इसीलिए वास्तविक साक्षी भाव विकसित नहीं होने देता है। जो मैं होता है वास्तविक साक्षी भाव में, वो मैं नहीं रह जाता, तो उसका भी जब लोप हो जाता है, जब उसका लोप हो जाएगा तो आप फिर आप ये नहीं फील कर पाएंगे कि मैं यह देख रहा हूँ या मैं यह सुन रहा हूँ या मैं यह समझ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जब जब ऐसा होगा तो आप समझिएगा कि आपका अहंकार ही है जो कि इस चीज़ को ऐसे ऐसे आंक रहा है। तब वहाँ मैंपन नहीं रह जाएगा, मैंपन जब नहीं रहेगा तो ही निराकारता आती है। मैंपन करते हुए निराकार, आकार को मैं ही वो करता है, पहचान करता है, कोई भी जो आकार है उसकी पहचान मैं से होती है, अहम से होती है। तो इसलिए जब अहम का लोप हो जाएगा तो इनका लोप हो जाएगा, इनका लोप हो गया तो अहम का लोप हो जाएगा। तो आपका हाथ धर गया, पैर धर गया, या आप मान लीजिए कुछ बना रहे हैं, पानी पी रहे हैं या कुछ भी पी रहे हैं या टॉयलेट जा रहे हैं, यानी राउंड द क्लॉक 24 घंटे जो है आपको साक्षी भाव पर ही रहना है, ध्यान ये रहना है। वो साक्षी भाव नहीं टूटने चाहे, चाहे आप खिड़की से पर्दा हटा रहे हैं, चाहे लाइट जला रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं। तो साक्षी भाव में आप कह रहे हैं कि सबको छोड़ के जाना है। हाँ, आपको समझ ले रहा है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ हाँ, अलग हूँ, ये तो इसने मैं अलग इसने हूं तो मैं क्या हूं? हाथ ने ये किया। मैं अलग हूं तो मैं क्या हाँ, हूं? तो उसी का तो करना है ना, उसी अच्छा, का साक्षी करना मतलब कोई है। टारगेट नहीं है सेट कि नहीं मुझे ये पाना है? नहीं तो आप टारगेट तो एक तरह से टारगेट की भाषा में करें तो फिर निराकारता है। अच्छा, हाँ, बस वही। टारगेट तो वो है समझ गया। लेकिन वास्तव में वो टारगेट नहीं है। हाँ, वास्तविक टारगेट वो, क्योंकि टारगेट अगर आप समझेंगे तो फिर वो अंक के दर्जे भीतर आ समझ गया, गया समझ गया। फिर वो फिर आपको उसकी फीलिंग नहीं आ पाएगी, उसकी अनुभूति नहीं होगी। तो जितने भी गतिविधियां आप करेंगे सब उसी के ही अंतर्गत होंगे, चाहे खाना हो, पीना हो, उठना हो, बैठना हो, जो भी आप करेंगे। निराकार हाँ, वो साक्षी भाव साक्षी आप, मतलब भाव। आप उस पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, आप दृष्टा है, देख रहे हैं। साक्षी भाव हूँ। ठीक। हाँ, फिर आप उस देखने को देखेंगे, जो देखने वाला है, जो दृष्टा तक बना था, उस दृष्टा का भी तो कौन दृष्टा है, और फिर उसका कौन दृष्टा है। इस तरह से आप चलते चले जाएंगे तो अंत में धीरे धीरे जो है, क्योंकि जब तक कोई अपने को दृष्टा समझ रहा है ना, तब तक हम अहम ही है, समझ लीजिए। वो बहुत सूक्ष्म अहम है लेकिन है अहम ही। जब वह भी मिट जाएगा तो फिर आप दृष्टा भी है, ऐसा कुछ नहीं बोल पाएंगे ना सोच पाएंगे। और तब जो बिल्कुल वो खालीपन हो जाता है, वो वही परम चैतन्यता होती है। तो इस लक्ष्य में आप लोग जितने कदम चल सकते हैं, हाँ, समझ कहने का गया। तात्पर्य है, चूंकि आप लोग का समय भी चूंकि कम है। हाँ, 3 दिन नहीं, तो का आप समय, जैसे बोल रहे हैं 3 दिन का कि समय, पहले सांस सांस से चलें। पहले तो आप चाहें तो किसी चीज़ से चलते हैं, पहले आप अपने हरकत को ही देख लें, ये आसान है थोड़ा हरकत वाला। हाँ, ऐसे हाथ हिला, पलकें गिर रही है, पैर हिल रहा है, ऐसे वाला, ये थोड़ा उससे भी आसान है, सांस से भी आसान है, तो इसको कर लें। फिर धीरे धीरे अपने आप ही जो है सांस पे जाने लगेगी बात। आपको कुछ करना नहीं है, या नहीं है कि आप फोकस कर रहे हैं कहीं बैठ करके, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना, स्वाभाविक रूप से खुद ही होगा। आपको बस खाली शांत रहना है, गतिविधि नहीं करनी है, और माइंड पर फोकस करना है, माइंड पर फोकस करना है। या नहीं है कि आपको ये करना है, सांस पर ध्यान लगाना है मुझे, नहीं, ये वो सांस पर ध्यान नहीं है, ये विपश्यना नहीं है, ये कि आपको सांस पर ध्यान लगाना, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। वो तो जहां उसको जाना जाएगा, खुद जाएगा ना, आपको अलर्ट खाली हमें छोड़ रहना। देना है उसको, जहां जाना है हाँ, जाए, उसको हमें पकड़ना नहीं है पकड़ना नहीं है, कि आपको खाली अब रहना कि मैं इस ये नहीं मैं हूँ, ये मैं नहीं हूं। पार्टिसिपेट नहीं। हाँ, आपको उसकी गतिविधि से अलग होना है, वो जानना है कि ये जन्म और मरने वाला है, ये तो ये सांस को पकड़ के बैठ नहीं जाना है, सांस को गिनने नहीं लग जाना है। और सांस की तो भाई अपनी भूमिका है ही। देखिए, हम लोग जो है
यहाँ से अगर देखेंगे हम लोग की सांस जो छूटती है जहाँ तक जाती है वहाँ तक की जो अंग है उसको वह सप्लाई करती है ताकत। जैसे कि यहाँ से छूट के यहाँ तक आए, 36 उंगल और 32 उंगल के बीच में जाती है ना, तो हमारे पैरों तक ये प्रभावित कर देती है सांस जो छूटती है। जैसे जैसे इसकी उंगली घटती जाएगी, यानी सांस आपकी अपने आप सांस को धीमा नहीं करना है, आप जितना शांत होंगे सांस खुद ब खुद जो है अपने आप ही शांत होती जाएगी और लंबाई इसकी खुद ब खुद घटती जाएगी जो छोड़ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए 36 से 32 हुआ, चाहे 32 से और कम होता गया, 22 हो गया, नाभि तक आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इस तरह से सांस खुद ब खुद घटती जाएगी, आपकी एक्टिविटी जितनी घटती जाएगी। अभी चूंकि आप लोग खाना भी खाए हैं थोड़ा सा खाना, इसको खाना खा के तो किया ही नहीं जाता है, ये तो पेट एकदम खाली होना चाहिए, क्योंकि खाना खाएगा तो खाना को पचाने के लिए अतिरिक्त तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, सांस को तो और गहरा होना पड़ता, लंबाई ज़्यादा हो जाती है, जोर लगाना पड़ता है। जब भोजन नहीं रहेगा तब सांस को जोर नहीं लगाना पड़ेगा, तो ये आराम से शांत हो जाए, सांस बहुत तेज़ी से शांत होती है जब शरीर में भोजन नहीं रहता है तो। हाँ, लेकिन मान लीजिए कि आज नहीं फील होगा, कल होगा, हाँ तो आज इतना हो जाता है तो ये अपने आप ही आप महसूस करेंगे, यानी कि मैं यानी कर फोकस आपको कहा, हाँ, ये अपने आप ही महसूस होगा, फोकस किसी पर नहीं करना, नहीं फोकस नहीं करना, आपको अपने आप ही महसूस होगा कि सांस जो है इसकी लंबाई घट रही है, अगर इसको नापेंगे तो उंगल घट रहा है धीरे 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 धीरे, दो पर या एक पर भी आ सकता है या चार पर भी रह सकता है, यानी चार से लेकर के एक तक में इतनी लंबाई अगर रहेगी ना तो शरीर के जितने भी अंग हैं और दिमाग है इसको ताकत देने के लिए इतनी सांस की लंबाई काफ़ी होती है। अगर आप चार क्या है उंगल, अच्छा चार उंगल, उंगल जो है एक उंगल या चार उंगल या दो उंगल या तीन उंगल, तो इस पर है कि मान लीजिए कोई ज़्यादा कोई मोटा आदमी है तो उसको ज़्यादा दिक्कत होगी, हाँ, लेकिन जो सब आसन आसन सब करते हैं, शरीर फिट है जिसका, अतिरिक्त तो वजन नहीं है शरीर में, तो चार उंगल से लेकर के एक उंगल तक के बीच में सांस उसकी आ जाती है शांत रहने पर, और उतनी सांस से दिमाग को शरीर को ताकत मिल जाती है। क्या मिल जाती है? ताकत मिल जाती है शरीर को, मतलब शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, आप शांत बने रहेंगे, साक्षी भाव तो उसी में होना है ना, तो सांस की लंबाई भी अभी घटेगी, उसी तरह से जो दिल की धड़कन है। अच्छा, जब ये सांस की लंबाई घटेगी ना, तो जब एक बार जैसे दो एक पर भी आ गई ना, और कभी कभी तो रुक भी जाती है, जीरो हो जाती है, और जब जीरो हो जाती है तो थोड़ी देर जीरो रहती है, उसके बाद क्या होगा कि फिर सांस जो है फिर तेज हो जाएगी, फिर हो सकता है कि 12 उंगल पर आ जाए या 10 उंगल पर आ जाए, और फिर 10 से फिर घटते 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 फिर आ जाएगी वहाँ तक, और इस तरह से क्रमशः हर बार कुछ कुछ और कम होती जाती है, इस तरह से धीरे धीरे आप आपका कितना जो है शांत है उसके पर ही निर्भर करता है कि वो सांस जो है फिर कितने से रिकवर कर लेती है और फिर धीरे धीरे आ जाती है। तो इस तरह से ये रिदम चलता रहता है, ये नेचुरल है, मतलब आपको इसमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, नेचुरल मैं बता रहा हूँ। तो अब उसमें ही आपको साक्ष्य भाव जो है, जब आप पूरी हरकत को देखेंगे ना तो साक्ष्य भाव विकसित होगा ना, तो एक साथ ही आपको आप इसके भी साक्ष्य हो जाएंगे कि मेरी सांस ऐसे ऐसे चल रही है, दिल की धड़कन ऐसे ऐसे चल रही है, विचार ऐसे ऐसे आ रहे हैं इस तरह से। लेकिन आपका मेन जो है, मैंने जैसे कहा कि दिमाग पर करना यानी विचार पर रखना, ये सब जो है ये तो फिजिकल एक्टिविटी है, सांस और ये दिल की धड़कन, आपका मेन जो है माइंड पर ही फोकस होना है, माइंड के प्रति ये आप में अलर्ट में जाता, अगर ये सब छूट जाते हैं छूटने दीजिए, ये सब तो छूट ही जाने चाहिए, क्योंकि नींद में तो न सांस का पता चलता है और न दिल की धड़कन का पता चलता है, न विचार का पता चलता है, असमझ रहे हैं ना। तो एक तरह से नींद में जागना है जहाँ पर कि ये सब सब खत्म हो जाते हैं, पता नहीं चलता है ना सांस का, ना दिल की धड़कन का, ना गंध का, ना ध्वनि का,
सब कुछ जो हम लोग की इंद्रियां जो हम लोग को संदेश देती हैं सब कुछ पता नहीं चलता, और जो दिमाग में स्टोर है जो भी सूचना उसका भी कुछ पता नहीं चलता। तो एक तरह से जहाँ कंप्लीट डार्कनेस है उस जगह पर अलर्टनेस हो जाना है, अवेयरनेस हो जाना है, साक्ष हो जाना है, वहाँ पर होना है। तो ऐसे बहुत सारे क्रम आते जाएंगे, तो लेकिन आपका लक्ष्य जो है वो माइंड पर ही रहना चाहिए। और विचार उत्पन्न होते हैं तो आप देखेंगे बहुत गौर से, उसमें जब देखेंगे ना तो सांस उसमें रुक जाती है। अब देखिएगा जब आप बहुत फोकस होते हैं उसमें सांस रुक जाएगी, जैसे मान लो कोई पिस्टल फायर कर रहा है तो सांस रुक जाती है, क्योंकि सांस थोड़ी सी भी हिलेगी तो उसकी एकाग्रता भंग हो जाएगी, हरकत हो जाएगी। तो आप जितना फोकस होते जाएंगे सांस आपकी उतनी ठहरते जाएगी, ये अपने आप ऑटोमेटिक होता है। हाँ, लेकिन आप भले ऑटोमेटिक हो रहा है लेकिन आप साक्ष रहेंगे ना तो आप सब कुछ महसूस करेंगे। तो हर चीज़ महसूस करना है, तो दिमाग में उसी तरह से जो विचार जो मैंने कहा, तो पहले तो फोकस करके होगा, बाद में तो वो अपने आप ही सब हो जाएगा। जब आप उससे भी मैंने विचार जो प्रकट होते हैं उससे भी ज़्यादा चित्र पर आ जाएंगे, क्योंकि वो प्रकाश का जो है ना, प्रकाश तो अधिकतम गति होती है ना, तो प्रकाश वाले स्टेज पर जब आएंगे तो और भी बेहतरीन होगा, आप अच्छा से सब समझ जाएंगे। ओ ये तो ऐसे ऐसे प्रकट हो रहा था, ये हो रहा था, सब पता चलने लगेगा आपको। तो अवेयरनेस आपकी जितनी हो जाएगी तो उतना ही अच्छी उपलब्धि है। बीच में और भी बहुत कुछ आएंगे साधारण लोगों के लिए, तो वे सब भी उपलब्धियाँ ही हैं, लेकिन मतलब जो लोग परम योगी लोग हैं वे उसको उपलब्धियाँ नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी आपको आएंगी जो आपके ही अपने जीवन की होगी, जो कि जिससे आप अनभिज्ञ होंगे अब तक, वे सब बातें भी आ जाएंगी। किसी दूसरे के बारे में भी आप कोई बात आ सकती है, तो लेकिन आपको उससे बंधना नहीं है, उसको रुकना नहीं है, अपने आप आते हैं, खाली गवाह रहना है कि ठीक है ये आई, देख लिया, हाँ चलो भाई आई, हाँ तो अपने आप जाते हैं, खाली आपको गवाह रहना है बस, यही इसका पूरा सार है। हाँ, तो अंतिम स्टेज जो है, तो अंतिम स्टेज में चाहे कोई नास्तिक कर रहा हो चाहे कुछ भी कर रहा हो, अंतिम स्टेज में तो वही स्थिति आनी है जिसको कि परब्रह्म परमेश्वर का कहता है, निराकारता वाली स्थिति, उसकी अनुभूति होगी। आप कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हैं। एक बात ये मुझे जैसे डाउट होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप बोल भी रहे थे तो हम थोड़ी उन चीज़ों को देख रहे थे, तो ये लगता है कि वो एब्सेंस ऑफ माइंड हमारा था कि हमारी नींद थी। जैसे ऐसे परिस्थिति में जैसे मान लीजिए हम ऐसे बैठे हैं साक्षी भाव में बैठे हैं, तो माइंड डाइल्यूट हो गया, ख़त्म हो गया जैसे, तो वो एब्सेंस ऑफ माइंड है कि हम सो गए? नहीं, एब्सेंस ऑफ माइंड और अलर्टनेस, ये अवेयरनेस अलग चीज़ है। इसमें तो एब्सेंस ऑफ माइंड थोड़ा भी नहीं होता है, बहुत हाई एब्जॉर्बिंग, बहुत माइंड का बहुत पावर चाहिए इसमें, और ये धीरे धीरे पावर विकसित हो जाता है। एब्सेंस ऑफ माइंड तो हुआ कि भाई हम कोई बोल रहा है उसको सुनाइए नहीं पड़ रहा कुछ, ये ऐसा हो गया एब्सेंस ऑफ माइंड में, ऐसा हो गया कि हमको तो सुनाई नहीं पड़ रहा है, मतलब हम सुनने ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। नहीं, अभी मान लीजिए हम बैठे और एक हुआ ना कि हम उसको सुन रहे हैं लेकिन हमको पता है कि यह मैं नहीं हूँ, यह मैं अलग हूँ, और मैं मेरा माइंड उसमें अलर्ट है। इसमें अलर्टनेस इतना होता है कि ये नींद में भी आदमी को जाग जाना है। ये तो अलर्टनेस है कि आपको सब कुछ सुनाई देगी लेकिन आप उससे अलग, आपको उससे अलग होना है। आप अलग खाली आप देखते महसूस होते जाएंगे कि ये ध्वनि है, मैं ये ध्वनि नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। हाँ, दृश्य है लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये दृश्य है, मैं अलग हूँ। अब अगर तुम वो अगर माइंड डल हो गया, हाँ अगर नींद आए तो कोई बात नहीं, सो जाओ। मैंने कहा ना कि घबराना नहीं है, एक ही दिन में कोई वो नहीं हो जाता पहलवान दुनिया में, तो नींद आ गई ठीक है, सो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि माइंड जो है अब उसमें अभी वो ताकत नहीं है तो वो नींद मिल जाएगा। हाँ, लेकिन ठीक है, सोएगा आदमी 8 घंटा सोएगा, 12 घंटा सोएगा, 16 घंटा सोएगा, 18 घंटा सोएगा, 20 घंटा सोएगा, फिर तो ताजगी उसमें आएगी ही, तब वो नहीं सोएगा, तब तो वो जागा रहेगा। तो उस क्षण की ज़रूरत है इसमें, इसीलिए मैंने कहा कि इसमें आसन लगाना या कैसी भी पोजीशन करना कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नींद भी बाधा नहीं है, आप सो जाइए, खूब सोइए, बल्कि इसमें तो जितना सोएंगे उतना ठीक है, सो जाइए। हाँ, लेकिन उसके बाद जब अलर्टनेस जब आती है तब धीरे धीरे तब जो आप सोए भी है ना तो उसमें आप जागे रहेंगे, लेकिन वो तो बाद की बहुत बाद की, वो तो फाइनल स्टेज हो गया एक तरह से, तो अवस्था, हाँ तुरिया अवस्था,
उसके पहले ये सब जो है कि अगर जो साधारण आदमी को जो नींद आती है तो कोई बात नहीं, सोए, सोने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोने से ही शरीर में ताकत आएगी, माइंड को ताकत मिलेगी, उसमें अलर्टनेस बढ़ता है। असल में क्या होता है ना कि हम लोग का जो लॉजिकल माइंड है इसको हम लोग का माइंड स्विच ऑफ कर देता है जब हम लोग नींद में जाते हैं, तो ये प्रक्रिया है जो कि साइमल्टेनियसली होती है, यानी ये जैसे जैसे इधर ये स्विच वो हो रहा है, जो तंद्रा की स्थिति ना, तंद्रा की स्थिति में इसका पता चलता है आदमी को, जैसे जैसे वो नींद की ओर जा रहा है वैसे वैसे उसका लॉजिकल माइंड को क्लोज किया जा रहा है। हाँ, वो दोनों वो नींद में जाते ही है। हाँ, तो वो नींद में चला जाएगा, तो नींद में वो स्वप्न में क्वेश्चनिंग नहीं कर पाता, इसीलिए वो कि ये क्या है क्या नहीं। स्वप्न में क्वेश्चनिंग करने की जब ताकत आ जाएगी, इसका मतलब है कि उसका लॉजिकल माइंड वहाँ पर अलर्ट हो गया है और उसका प्रवेश उसमें हो चुका है, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो अभी जैसे मान लो अभी नींद आया, ठीक है, चलो सो रहे हैं, हाँ, लेकिन जब इसमें लगातार फोकसिंग होते हुए हिट करता रहेगा ना, तो वहाँ का जो मैकेनिज्म है माइंड का, जो नेचुरल मैकेनिज्म है जिसको उसको सुला देना लॉजिकल माइंड को, हाँ, तो वह जो है स्विच ऑफ कर देना, वो नहीं होता है। फिर उसमें जो है एक तरह से इसको एबरेशन भी कर सकते हो कि यह जो है एक तरह से विकृति है, ये भी कहा जा सकता है, और एक तरह से यह उपलब्धि है, ये भी कहा जा सकता है। तो उपलब्धि के अर्थ में अगर देखा जाएगा तो ये स्वप्न में प्रवेश दिला देता है हमारे लॉजिक को। तो आगे का जो हम लोग का हिस्सा जो है ना मस्तिष्क का, सेरिबेलम, इसका उसमें प्रवेश हो जाता है और उसमें वो पूरा लॉजिक उसमें भी लगाता है, इसीलिए वहाँ भी उसका साक्षी भाव जागृत हो जाता है। तो स्वप्न में साक्षी भाव जागृत हो गया, मतलब कि आप ओनली वन स्टेप आप बैक है, बस एक स्टेप के बाद। तो लेकिन स्वप्न में जागृति हो जाना, वहाँ पर जो है वहाँ साक्ष्य भाव हो जाना, तो वह आत्मदर्शन है, आत्मा का दर्शन उस स्टेज पर होता है स्वप्न में जागने जाग, वहाँ पर आत्मदर्शन हो जाता है, लेकिन दिव्य आत्मा का नहीं होता है, जीवात्मा का होता है। उसके बाद जो है दिव्य आत्मा का होता है, वो परमात्मा का नींद में, तो यह अवस्था में। तो नींद अगर आती है, एब्सेंस ऑफ माइंड जो कह रहे थे, एब्सेंस ऑफ माइंड या नहीं है साक्षी भाव, नहीं। तो यानी जैसे अगर बस इसे अपनी, तो कोई भी एफर्ट लगाना नहीं है, नहीं एफर्ट नाम की कोई चीज नहीं, जो भी तुमसे हो रहा है ना, एक तो कोशिश ये करनी है कि शरीर से ज़्यादा कुछ परिश्रम न किया जाए, एक्टिविटी नहीं किया, क्योंकि एक्टिविटी शरीर करेगा तो सारी ऊर्जा फिर शरीर की ओर बहेगी ना, तो एक्टिविटी शरीर से जितना कम हो उतना सही रहेगा, तो अपने आप सांस पर ध्यान चला जाएगा। एक्टिविटी जब शरीर की बंद हो जाती है आदमी की, तो अपने आप सांस पर ध्यान चला जाता है, तो बस सांस भी अगर साक्षी भाव से आदमी देख रहा है, तो फिर धीरे धीरे सांस भी घटने लगता है और फिर दिल की धड़कन पर चला जाता है, अपने आप ऑटोमेटिक होता है, और जैसे उसमें चला जाएगा तो अपने आप ही फिर उसको दृश्य पर और विचारों पर आने लगता है, तो अपने आप ही साक्षी भाव उससे आगे बढ़ने लगता है। आपकी गतिविधि अपने आप जैसे जैसे शांत होगी, शरीर की गतिविधि शांत होगी, सांस पर चला गया, सांस की गतिविधि शांत होगी, दिल की धड़कन पर चला गया, दिल की धड़कन की गतिविधि शांत होने लगेगी, विचार कर शांत होने लगेगा, दृश्य पर चला जाएगा, दृश्य शांत होने लगेगा, निराकारता में चला जाएगा, मुझे अपने आप ही ये जो है होता, ये हर आदमी के साथ होता है, ये सबके साथ होना, ये नेचुरल प्रोसेस है ना, अध्यात्म भी नेचुरल प्रोसेस है। हाँ, तो यह जो है इस तरीके से जाना है। सर और कुछ पूछना है इसमें? नहीं, कुछ बताइए। नहीं, अब क्लियर। गुरु जी मान लीजिए, जिसे वैसे तो लगता नहीं कि भाई जो बहुत भूख की वजह से कुछ छटपटाहट हो और इस तरीके का हो। हाँ, तो जैसे भूख की छटपटाहट होगी तो उसकी भी तो फीलिंग आएगी ना, उसमें भी साक्षी रहना है, भूख की छटपटाहट से भी तो साक्षी रहना, पेट गुड़गुड़ाएगा, गैस बनेगा, हाँ, तो उसका भी साक्षी रहना है। नहीं तो उसका साक्षी क्या, मतलब भी कुछ नहीं है। हाँ, मतलब कि ये गैस है, देख रहे हैं, ऐसे ही है, अलग आपको अपना अलगाव दिखना चाहिए उससे। हाँ, मेरे पेट में बन रहा है, यहाँ मेरा शब्द नहीं आना चाहिए, यहाँ मेरा शब्द से छुटकारा चाहिए, मेरा और मैं से छुटकारा चाहिए। उसको एक एक घटना है जो कि इस तरह से हुई, उत्पन्न हुई और ऐसे उसका नाश हुआ,
इस तरह से वो भर गई। बाथरूम वगैरह या टॉयलेट चाहे कुछ भी, पेशाब भी करेंगे, पेशाब उत्पन्न हुआ, पेशाब खत्म हो गया, मर गया। हाँ, पेशाब की घटना होगी, ये नहीं कि मैं पेशाब कर रहा हूँ। नहीं नहीं, वो तो समझ गया, मतलब आएगा तो जाके कर ले। हाँ, मैंने कहा ना कि वो तो आप करेंगे ही ना, लेकिन करते समय भी अलर्ट रहना है, अलर्टनेस छूटना नहीं चाहिए। कहने का मेरा तात्पर्य यह है, वो तो करना है, लेकिन कहने मतलब है कि मैं कम नहीं कर रहा हूँ, ये है मतलब। हाँ, और मतलब गतिविधि कम से कम हो, कम से कम हो गतिविधि, शारीरिक गतिविधि कम से कम रहेगी, क्योंकि आप पेशाब करेंगे तो आपके सांस की रिदम बदल जाएगी। आप जाएंगे उठेंगे तो सांस की लय, दिल की धड़कन की लय, ये सब सारे सारे बदल जाएंगे, तो वहाँ से कुछ डाइवर्जन तो हो ही जाता है ना। फिर आप फिजिकल पर आ जाते हैं ना, तो फिजिकल से आपको जो है पहले मेंटल में जाना है, और मेंटल से फिर आपको जो है ये प्राण में जाना है, एनर्जी में जाना है, फिर उस प्राण से आपको विज्ञान में जाना है, विज्ञान से फिर जो है आनंद तो अपने आप आता है। तो ऑटोमेटिक जो आता है वो पहले सांस में पर आता है, जैसे ही शरीर को आप रिलैक्स हुआ, एकदम रिलैक्स हुआ, सर हिलाए डुलाने शरीर को ना, वो तो ऑटोमेटिक जाएगा, फिर उसके बाद हृदय पर आएगा। हाँ, सांस जैसे जैसे धीमा होता चला जाएगा, सांस शांत होता जाएगा, अपने आप आपको दिल की धड़कन पर अपने आप चला जाएगा। दिल की धड़कन पर अमूमन आदमी को तब जाता है जब आदमी खूब दौड़ता है, तब होता है, या जो क्रोधित होता है तब है, या जब सेक्स करता है उस समय तो उस वक्त होता है, नहीं तो आदमी को तो पता नहीं चलता है उसका दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क। सामान्य आदमी को तो सांस का ही पता नहीं चलता है। नहीं, हमको तो सांस का पता चलता है, लेकिन दिल का मरे को भी नहीं पता चलता है। गुरु जी नॉर्मल बैठे हुए हैं तो कहाँ धड़क रहा है। हाँ, तो इसके लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा सांस का शांत होना जरूरी है, क्योंकि वो एक सेकेंड शांत होने की जरूरत है पता लगने के लिए, या किन्ना लगे पता तभी लगता है जब सांस आपकी शांत हो जाती है। फिर उसके बाद विचार आता है, फिर चित्र, फिर उस विचार का जो दृष्टा है, एक तो विचार देख रहा है, फिर उस विचार को देख कौन रहा है? अच्छा, उस विचार को कौन देख रहा था, समझ रहे हैं? वो और सूक्ष्म बात हो जाती है, तो वो मैं नहीं देख रहा था। हाँ, तो उसमें भी आपको फोकस उसमें फिर करना पड़ेगा, यानी आप फोकस खाली आपका विचार नहीं रहेगा, विचार गौण हो जाएगा। जैसे एक समय सांस गुण हो गया, दिल धड़कन गुण हो गई, जैसे विचार भी गुण हो जाएगा, उसका जो दृष्टा है जो उसको देख रहा था वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। फिर उसको जैसे करेंगे तो फिर उसको कौन समझ रहा था, फिर वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। इस तरह से आप जो है रिग्रेस करने लगेंगे, और ये सब रिग्रेसिव टेक्निक से फिर जो है आप इन्फिनिटी में चले जाते हैं। तो इसमें आप ये अब व्यक्ति की अपनी अलर्टनेस पर है। तो देखिए ऑक्सीजन लेवल ठीक है, मान लीजिए कि आज आप लोग को दिक्कत होगी चूँकि कुछ भोजन वोजन हल्के फुल का कर लिया है, हाँ, लेकिन फिर भी जहाँ तक होगा तो अभी थोड़ा सा और रुक जाए ना, थोड़ा और नहीं आप नहीं, नहीं। मतलब आप